फ्रेंड्स, सीएमई पटना के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। दोस्तों, अभी की जो क्लास है वो जीएस के पॉलिटी सेक्शन पे है, जिसका एक बार पहली क्लास ही है जिसमें हम लोग ये बात देखेंगे कि 65th बीपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी को अभी आगे कुछ समय में कैसे बेहतर से तैयार कर सके। कुछ बातें मैंने पहले ही बताई थी, पर व्यवस्थित रूप से आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे इस क्लास के साथ आपको साथ ही साथ देवानंद सर हैं, वो भी इसमें हेल्प करेंगे। कुछ और लोग भी मदद करेंगे, जैसे मंजेश सर हैं, लेकिन अभी कोरोना के दौर में कितना वीडियो लेक्चर आ पाएगा वो अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक व्यवस्थित रूप से हम लोग हर पार्ट को करेंगे। इस पार्ट को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात पीछे पे जाना चाहूँगा। दोस्तों, जीएस में दो पेपर हैं जिसमें आप देखते हैं कि दोनों में आठ आठ प्रश्न लिखने हैं। इसमें पेपर वन में तीन इतिहास, तीन करेंट और दो डीआई, पेपर टू में तीन पॉलिटी, तीन ज्योग्राफी इकोनॉमी और दो आपका साइंस एंड टेक है। यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि पेपर वन के शुरुआत करने में या तो आप डीआई से शुरुआत करते हैं, नहीं तो आप हिस्ट्री से शुरू करते हैं। थर्ड नंबर पे ही सभी लोग करेंट लिखते हैं, ऐसे कोई अलग सा हो तो बात अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि पहले आप डीआई से बना लें, डीआई में प्रॉब्लम हो तो आप हिस्ट्री से कर लें, फिर उसके बाद से फिर डीआई बना लें और आप करेंट बना लें। करेंट हमेशा थर्ड पॉइंट। वैसे ही पेपर टू में ध्यान दीजिए दोस्तों, पेपर टू में जो साइंस एंड टेक का नेचर है वो बड़ा करेंट टाइप से, अप्लाइड टाइप से आता है। बहुत कम चांस है कि आपको एग्जाम हॉल में वही सवाल मिलेगा जो आप पहले से पढ़े रहेंगे। ज्योग्राफी इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहाँ पर भी नॉर्मली डायरेक्टली सवाल के चांसेस कम बनते हैं, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप एकदम जो पढ़ेंगे लगभग उससे मिलता जुलता सवाल की संभावनाएं हैं। अब होता क्या है कि पेपर वन का हिस्ट्री या पेपर टू के पॉलिटी, कई बच्चे को याद होता है कि पॉलिटी तो आता है हम कर लेंगे, और उसमें बेहतर से नहीं लिख पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना, जो 63वीं का रिजल्ट आया था हमारे ही खुद स्टूडेंट में, जब मुझे अच्छे से याद है बोर्डिंग नोट सेंटर हमारा शुरू हुआ था तो 63वीं का हम लोग क्रैश कोर्स चलाए थे, बच्चों की संख्या उसमें कम ही थी, करीब 25-30 बच्चे होंगे, उसमें भी कई बार 20-22 बसते थे, कुछ लोग जॉब वाले आए नहीं आए, कई बार तो सैटरडे संडे की मेरी क्लास चलती थी। उसी में एक हम लोग एक टॉपिक है मुझे अच्छे से याद आता है, क्वेश्चन आया था कि संविधान और संविधानिकता की चर्चा करें और मूल ढांचा की विशेषता बताएं, ऐसा एक सवाल आया था। और भी मैं कई सवाल ऐसे सवाल में उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा जो सीरियस बच्चे थे, जैसे राजकिशोर जी, कृष्ण कुमार जी सफल हुए, वो लोग बोले भी, जब वो लोग पास होने के बाद आते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, एक अर्चना जी थी SDM बनी, वो उसके पहले ही सिलेक्ट हो गए, पर वो बोली थी क्लास में आके संविधान और संवैधानिकता सर आ गया था। बात क्या है मेरा, इसमें आप समझिएगा कि आप फोकस्ड पढ़िए और उसको फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ये नहीं कि ये कॉमन है, जैसे हिस्ट्री में ये तो आता है, नहीं दोस्तों, 38 नंबर में 30 भी आ सकता है और 20 भी आता है, 10 नंबर का अंतर है। सेम हालत पॉलिटी का है। मैं आप सबसे पहले आग्रह करूंगा कि पेपर टू में पॉलिटी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप बिना पढ़े भी पॉलिटी में लिख सकते हैं, पर स्पेशलाइज्ड फोकस्ड अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो अच्छे अंक आएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पॉलिटी को भी सीरियसली दोस्तों लें। आप 18 से 20 मिनट ही दोस्तों मिलेगा, तो कैसे आप उन तीन प्रश्नों को बेहतर कर सकते हैं उसी की मैं सबसे पहले दोस्तों चर्चा करूंगा, और फिर उसके बाद से हम और एक दो और लोग मिलकर के हर पार्ट को आपको कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख इसलिए लिया है ताकि थोड़ा समय बचे, सिलेबस की जरूरत है। तो सिलेबस भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, संविधान कानूनों का दस्तावेज है और राजव्यवस्था शासन की पद्धति है जो उसी संविधान पे बेस्ड दोस्तों होता है, चर्चा करेंगे जब टर्म्स पढ़ेंगे। दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी का 39वीं से लेकर के अभी तक के प्रश्न को देखेंगे, जैसे मैंने इसमें 64वीं का लिखा है, प्रस्तावना पे पिछली बार आया था, उसमें बड़ा अच्छा सवाल था, लोगों ने पूछा है कि कौन कौन से उपबंध है उसमें, जितना प्रस्तावना है सब कुछ लिख दिया है जो 64वीं में आया था। दो, जैसे प्रस्तावना का प्रकृति वर्ड, प्रस्तावना का दर्शन वर्ड, सवालों के अनुसार से कॉम्पोनेंट्स बदलते हैं,
ये अलग बात है, कुछ बात आप दोनों में ओवरलैप कर सकता है, पर टू दी पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे जो वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, अब उसी में ये जो वर्ड है उस पर प्रकृति से इसका जुड़ाव है, और उसमें जो न्याय स्वतंत्रता समानता जो है वो एक दार्शनिक पक्ष है। तो आपको जिस तरह से वर्ड है वैसे, हाँ ठीक है, प्रकृति वाला लाइन दार्शनिक में भी आप लिख सकते हो, राजनीति दर्शन का पार्ट है, पर पहले आपको अगर सिर्फ दर्शन पूछे तो न्याय स्वतंत्रता समता को पहले लिखिए, फिर बाद में उसको पेज भरने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल प्रस्तावना के सवाल था, लगा था डायरेक्टली, लेकिन उसको बहुत अच्छे से भी कुछ लोगों ने लिखा है और कुछ लोगों ने बस लिख दिया है। राज्यपाल का सवाल था, इसमें बहुत विवाद भी दोस्तों हुआ, ये जो कठपुतली वाला सवाल था, पपेट्री वाला। न्यायिक सक्रियता का सवाल का पक्ष और विपक्ष, किसी को चेक करना हो तो जरूर चेक करिएगा, हम लोग भी 64वीं में करवाए थे, उस समय तक सीएमई बहुत हिट हो चुका था, तो कितने सारे बच्चे एकदम लगभग 2.5 पेज का नोट्स था और उसी लैंग्वेज में था कि उसके पक्ष के क्या बातें हैं, विपक्ष की क्या बातें हैं, जरूर चेक करिएगा कि ये हम लोग करवाए थे कि नहीं। कुछ लोग बोलेंगे तो सर बहुत कॉमन था, दोस्तों कॉमन सभी कुछ होता है, उसी कॉमन में जो बेहतर लिख ले गया, क्योंकि हम लोग भी तैयारी करते थे तो कई बच्चों को मानते थे कि ये तो सिंपल है, वही सिंपल से आज वो IAS बन गया है कई बार। वैसे ही राजनीतिक दल वाला सवाल था दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि आप सवालों को नेचर 64वीं है, इसके पहले 63वीं है, CDPO था, ये सवाल जो BPSC के आए हुए हो, प्लस जो IAS के सवालों का है जिसका BPSC से ओरिएंटेशन हो सकता है, प्लस जो पब्लिक एड या पॉलिटिकल साइंस से इससे रिलेटेड सवाल, उन सब को मैं देखता हूँ, मेरी आदत है, तभी मैंने संविधान संशोधन वाला सवाल 63वीं में करवाया था, उससे आपको फायदा रहेगा। तो सिलेबस संविधान और राज व्यवस्था है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं सवालों के आधार पर, और स्टडी मटेरियल दोस्तों, अभी जो लोग 65वीं के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल में मैं कहूँगा कि सिर्फ जो CME का नोट्स रहेगा वही रहेगा, आप अपने रेफरेंस के लिए लक्ष्मीकांत वाली किताब या आपका जो भी बना हुआ हो वो आप उसको रख सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो अभी करवाया जाएगा उसी को प्लीज़ फॉलो करिए, उसके अलावा आप करते हैं तो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आइए, स्टडी मटेरियल में दो तरह का आपको दोस्तों हम लोग मटेरियल देंगे, एक मिलेगा ट्रेडिशनल टाइप का फ्रेंड्स, और दूसरा रहेगा करेंट ओरिएंटेड। जैसे आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं, जनवरी फरवरी का हम लोगों ने जो करेंट रिलेटेड पॉलिटिकल इश्यूज है उसके नोट्स दिए थे, और अभी हम लोग मार्च से मई तक जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स उनको डालेंगे एक दो दिनों के अंदर में, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। तो जैसे पॉलिटी का जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें आप पाएंगे कई सारा करेंट वाला पूछ देता भी है, और यहाँ तक कि पेपर वन में जिसमें करेंट का पार्ट है वहाँ भी एक आध सवाल कई बार पॉलिटी से दोस्तों जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसलिए पॉलिटी को दोनों आस्पेक्ट से ट्रेडिशनल और करेंट इस रूप में देखने की जरूरत है। जैसे कि जब आप सिटीजनशिप पढ़ते हैं तो उसके साथ जो NCR NRC CA ये सब के जो मुद्दे हैं वो आपका आपका करेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या जब आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी वाला जो जजमेंट्स की बात है, या जो कुछ और भी एडअप होता है, वो सब चीज़ें बातें हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों आस्पेक्ट से देखना होगा दोस्तों, इसी अप्रोच से हम उसको पढ़ने का दोस्तों प्रयास करेंगे। अब इससे क्या निकल के आता है ये सब के बाद, हमें चार बातें विशेषकर ध्यान देना चाहिए पॉलिटी में जो मेंस के अप्रोच के लिए। एक, आप सैद्धांतिक पहलुओं को जरूर ध्यान दें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ हो, वन। नंबर टू, करेंट पे पकड़ हो। नंबर थ्री, आजकल के पैटर्न के लिए टर्म्स पे पकड़ हो, जैसे CDPO में पूछ दिया सक्रियता और अति सक्रियता, 63वीं में पूछ दिया संविधान और संविधानवाद, तो टर्म्स पे भी दोस्तों पकड़ होनी चाहिए। और नंबर फोर, बिहार से भी चीजों को जुड़ा, चूंकि BPSC के लिए दोस्तों मेंस लिख रहे हैं, अगर ये चार बिंदु याद रखेंगे हर क्वेश्चन में तो बड़ा आपको काम करेगा, उसका थ्योरेटिकल जो आस्पेक्ट हो संविधानिक पहलू, और इसी संविधान से करंट में वो व्यवहारिक पहलू में चर्चा आ रहा है, चाहे राज्यपालों पर अभिभावक सवाल हो जाए जो हाल गतिविधियां चाहिए, या JNK की बात हो, या कोई और भी टॉपिक हो। टर्म्स क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे कुछ पूछ दिया कि अधिकारों से क्या समझते हैं, अधिकारों के विभिन्न प्रकार और मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करें, सांविधिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, इसकी चर्चा करें। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड दोस्तों रहना चाहिए। और फिर बिहार के टर्म में जहाँ जहाँ कई बार जो टैग देता है, जैसे अभी CM बिहार में चुनाव हो रहा है दोस्तों,
पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के सीएम के रूप में क्या कार्य रहे। अब कार्य एवं शक्तियाँ, शक्तियाँ वही रहेंगी जो सभी जगह के शक्तियाँ हैं, कोई बिहार के लिए अलग से संविधान नहीं बना हुआ है, लेकिन जो उनके जो उसके आधार पे उन शक्तियों के आधार पे जो कार्य या उपलब्धियाँ रही हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चूँकि ऐसे भी सवाल के संबंध से बिहार में चुनाव प्रक्रिया, तो चुनाव प्रक्रिया वही रहेगा जो और जगह चुनाव प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग सी बातें जो दिखाई दे किसी चुनाव में वो चर्चा का विषय दोस्तों बन जाएगा। तो इसीलिए या पंचायत की बात, तो इन बातों को भी दोस्तों ध्यान देना ज़रूरत है। चलिए, मैं जब बिहार की बात कर रहा था तो एक हमारा बिहार स्पेशल का भी अलग से क्लासेस रहेगा जिसमें कि बिहार का इतिहास तो नहीं पढ़ाएंगे, तो इतिहास का पार्ट जीएस पेपर वन में हो जाता है। बिहार का पॉलिटी जरूर करवाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार ओरिएंटेड पॉलिटी के बारे पूछा हुआ है, कभी आया है डीपीएसपी का बिहार में कार्यान्वयन, कभी आया है जैसे पिछले ही बार कि बिहार के राज्यपाल के संदर्भित सवाल पूछ दिया था, कभी आपको आया है बिहार में पंचायत का स्वरूप, फिर बिहार में चुनाव प्रक्रिया, या बिहार की राजनीति में जाति वर्ग की भूमिका, या आगे पूछ सकता है बिहार में नक्सलवाद पर, बिहार में महिला सशक्तिकरण पर, या बिहार में भ्रष्टाचार उन्मूलन और सरकार के कदम, ऐसे कई सारे सवाल। तो हमारा बिहार स्पेशल का नोट्स भी बच्चों को मिलने वाला है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और पिछले एक साल के जो डेवलपमेंट की घटना उसको एडअप किया रहेगा। हमने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पे कवर कर लिया है, पर कुछ पॉलिटिक्स के टॉपिक्स बचे हुए थे जिसके चलते हम रोके हुए, उसको जल्दी ही इसी एक दो दिनों में देने का हम प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये चार एस्पेक्ट को ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लिखाएगा। सोर्स के लिए मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप हम लोग का नोट्स यूज करें, अभी 65वीं देना है तो, और करेंट के बुकलेट यूज करिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ऐसे आप अपने स्तर पर लक्ष्मीकांत कवर करें तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी नया मत पढ़िएगा, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। करेंट के लिए अगर आपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ते रहें तो वो आपका काम करेगा। प्रतियोगिता दर्पण जो है उसके जो लेख होते हैं वो बीपीएससी बड़ा फॉलो करता है, हालांकि मैगजीन बहुत सारे हैं आप सब जानते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, लेकिन दर्पण के जो आता है लेख वो बड़ा हीटेड है, खासकर उसका टॉपिक कंटेंट भले ही उस स्तर का आपको मिले नहीं मिले, लेकिन उसके जो टॉपिक रहते हैं हूबहू कर पूछे गए दोस्तों, हम लोग उसी आधारों पर कलेक्ट करके आपको करवाएंगे भी जो आपको आगे दिखेगा। चूंकि ये पहला क्लास है, अभी लेक्चर वन है, ये बस एक ओरिएंटेशन है ताकि चीज करें और फिर लगातार इसमें तेजी से बढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे पहला सवाल है, मैंने सब कुछ बता दिया, नेचर ऑफ क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल। अब सिलेबस को डिजाइनिंग बीपीएससी के लिए दोस्तों ऐसे करना है, यह नहीं कि आप उन टॉपिक्स को कर रहे हैं जो जरूरत ही नहीं है। बिहार का नेचर पाएंगे तो आप लगेगा कि नॉर्मली इस पार्ट से ये दोनों मिलाकर के एक क्वेश्चन, यहां से नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता दोस्तों। आप पाएंगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी मिलाकर के लगभग एक या कभी कभी दो भी आया है, और यहां जो ये वाला पार्ट है यहां से भी एक या दो सवाल का ट्रेंड दोस्तों बनता है। तो आप ट्रेंड पकड़ के पढ़ें तो आपके लिए बेहतर जाएगा। अब उसमें देखिए टारगेट करिए कहां को फोकस करना है और अप्रोच को बीपीएससी अनुसार से क्या जरूरत है। जैसे यहां मैंने बनाया बेसिक एंड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, ये बस सिर्फ इसलिए ताकि आपका भाषा शैली बन सके, बेहतर कर सके, जिसमें कि हम लोग करवाएंगे टर्म्स के बारे में, जितने टर्म्स आगे यूज होंगे, शुरुआत बेसिक से संविधान, राज व्यवस्था, संविधान और संविधानवाद, शासन की पद्धतियां, लोकतंत्र क्या है, जनतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, फिर उदारवाद क्या है, ताकि कभी आए कि उदारवादी लोकतंत्र भारत है, धन निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, वो सारे टर्म्स इसमें दोस्तों कवर रहेंगे और आपके नोट्स मिल जाएंगे ताकि आपकी दिक्कत हो। क्योंकि समय लिमिटेड है, हालांकि मैं पीछे कह चुका हूँ कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है 25 जुलाई से एग्जाम, लेकिन हम लोग 10 जुलाई तक आपको कवर करके दे देंगे ताकि आप अपना पढ़ाई करते रह सके। फ्रेंड्स, इसमें टर्म्स रहेगा जो रिलेटेड रहेंगे, ये आपको लेखन शैली में काम करेगा, कोई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ समझाएंगे संक्षेप में, जिसमें मैं चार बातों की चर्चा दोस्तों करूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इन सब संबंधित में मुझे कहां कहां आर्टिकल्स की जरूरत चलेगी। जैसे यही मैंने वो बना दिया, संसदीय विशेषाधिकार भी एक टॉपिक। अब विशेषाधिकार आप याद करिए तो आर्टिकल नंबर 105 आपको याद रहेगा। अब 105 याद है तो बड़ा काम करता है।
तो यहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, सोर्सेस, और सोर्सेस का विभिन्न प्रकार के राज व्यवस्थाओं से तुलना है। अब ये चारों पता रहने से कितना दोस्तों फायदा होता है। सपोज यार कि हमको आंसर लिखना है फंडामेंटल राइट्स पे, तो राइट्स पे अगर आपने टर्म सीख लिया है तो आप बता देंगे कि अधिकार ये है और इसी में एक मूल अधिकार है, या मूल अधिकार की परिभाषा ये है। फिर आपने बता दिया अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद है तो बता देंगे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में ये बात है। अगर संशोधन तो बोल देंगे, जैसे आप जानते ही हैं कि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 कम में डाल दिया गया, तो संशोधन की बात आपने लिख दिया। फिर आप उसी में लिख दिए कि ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कोई जरूरत नहीं सारी बातें लिखे, पर एक रेडीमेड मसाला तैयार रहेगा अगर आपने टर्म सीख लिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन सब के लिए सीख लिए, अमेंडमेंट सीख लिए, सोर्सेस सीख लिए, तो दोस्तों बड़ा फायदा होता है। तो ये बात एक ब्रीफ कर देंगे, जैसे राष्ट्रपति का ही बारे में है ये। अब राष्ट्रपति में ये जो चीज है, तो राष्ट्रपति में इंपॉर्टेंट आर्टिकल में राष्ट्रपति का पद 52 में है, 53 में आप पाएंगे शक्तियों के बारे में है, 54 में जो है निर्वाचन है, 61 जो है महाभियोग है, 72 जो है क्षमादान है, 123 जो है अध्यादेश है, 140 में दोस्तों सलाह लेता है। तो पीटी में आपने पढ़ा होगा, पर मेरी आदत है कि मैं बेसिक्स में बातें इसलिए बताता हूँ। अब जैसे याद करने, क्योंकि आपको बार बार काम आएगा, याद रहने से लिखाता है। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी में जहाँ फिक्स क्वेश्चन है, हमको 18 से 20 मिनट पर जल्दी टाइमली लिख करके खत्म कर लेंगे तो हमारे लिए अन्य क्वेश्चन लिए समय दोस्तों बचेगा। क्योंकि जो कॉपी में लिखता है वही काम आता है, इससे कोई मतलब नहीं कि बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं। कई लोग 18 से 20 मिनट में बेहतर लिख ले आते हैं और एवरेज स्टूडेंट भी SDM DSP बन जाते हैं, और कई बहुत तेज का मेंसी नहीं होता है, पेपर भी पूरा नहीं हो पाता। ये रियलिटी है, भले ही आपको रफ लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 का मतलब है पद अपद, 3 शक्ति, 4 निर्वाचन, इससे दोस्तों याद रहेगा, निवाचन 4, शक्ति 3, तो ये पीटी की बात है दोस्तों, पर याद रहेगा इन सब से रिलेटेड आर्टिकल तो बड़ा काम करेगा। मैं एक बार बस बेसिक क्लास में जो कवर कर दूंगा जो अगली मेरी क्लास होगी, यहां पर ये बात है। फिर है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये इसलिए पढ़ना है आपके राइटिंग को बेहतर करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संविधान लिखित है, लंबा है, विभिन्न संविधानों का समावेश है, संशोधन में नम्यता अनम्यता का मिश्रण है, तो संविधान की विशेषता टॉपिक पूछता नहीं है। लेकिन अगर आपने विशेषताओं को पढ़ लिया है, जो हम 16 पॉइंट पे तोड़ के बताएंगे, तो आपको लिखते समय बोल दिया कि संविधान की विशेषता है, तो बड़ा फायदा करेगा। और इसी में लास्ट संविधान का मूल ढांचा, और इसको जोड़ेंगे दोस्तों 9 शेड्यूल से संशोधन साथ में, चूंकि मूल ढांचा और 9 शेड्यूल का मामला भी बड़ा जरूरी है। जैसे आप जानते हो 9 शेड्यूल बनाया गया जिसके तहत उसमें अगर डालने पर रिव्यू संभव नहीं है, पर कोर्ट कहता है अगर मूल ढांचे का उल्लंघन है तो 9 शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जा सकता है दोस्तों। जो केशवानंद भारती मामले से 9 शेड्यूल का बेसिस स्ट्रक्चर का जो मामला सामने आता है। तो ये शुरुआत में बेसिक टर्म्स, संविधान की हल्की सी समझ, नोट्स पहले दिया रहे तो दिक्कत नहीं, जल्दी कर लेंगे हम लोग। तीसरा फीचर्स और चौथा बेसिस स्ट्रक्चर, ये बस इसलिए ताकि आप ग्रो अप कर सके, आपका बेस बन सके। देन उसके बाद दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, और फिर बाद की बातें। 4-5 खंड में पॉलिटिक्स एकदम व्यवस्थित हो, जो बिहार का पैटर्न है। पहला खंड में देखिए प्रीएम्बल लास्ट ईयर आ चुका है, अब आ चुका है तो छोड़ देना है, मैं कहूंगा कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा प्रीएम्बल की भूमिका, जिसमें आप जानते हैं कि संविधान का सार है, शुरुआत है, जो भी, पर स्टार्ट कर सकते हैं जो नेहरू का स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 2 क्रांतियों की अभिव्यक्ति है, फ्रांस क्रांति से स्वतंत्रता, समान न्याय, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात, और रूस की क्रांति 1917 से न्याय की बात। तो दोस्तों जो आप ये देखते हैं कुछ ऐसे लैंग्वेज में तो आपको बेहतर जाएगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बीच की लाइन लिखनी है। फिर उसी बात 10 का दम फॉर्मूला रहेगा, जो प्रस्तावना के 3 वर्ड्स हैं, जो हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हर वर्ड क्या है, उसका नॉर्मल मीनिंग, संविधान में उसका स्थान, अगर आप समझें तो बड़ा फायदा। और लास्ट में
इसमें कौन कौन से वर्ड प्रकृति के लिए, कौन से वर्ड सामाजिक दर्शन के लिए, कौन से राजनीतिक दर्शन के लिए, और फिर उसके महत्व के बारे में, और उसमें जो संवैधानिक वाद रहा है, एक बार हल्का सा 15 मिनट भी सुन लेंगे तो वो दोस्तों बड़ा फायदा रहेगा। प्रस्तावना के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात है, आर्टिकल 1 से 4 तक। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आर्टिकल 1, उसको केंद्र संबंध से जोड़ते हैं। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान कितना संघात्मक है, कितना एकात्मक है वाली बात है, जिसमें कि एकदम टू दी पॉइंट, सबसे पहले एक भूमिका और उसमें कुछ जो उस पर पॉपुलर थिंकर्स उनका स्टेटमेंट डालना है दोस्तों, कि केसी वेलर ने क्या कहा, जेनिंग्स ने क्या कहा, और फिर उसका डिस्कशन करना है। डिस्कशन में एक बिंदु यह भी डालना है कि जो अमेरिका का जो फेडरेशन और इंडिया का यूनियन है उसमें किन किन रूपों में अंतर है, नाम के स्तर पर भी अंतर है, निर्माण के भी स्तर पर अंतर है, उसके मूल वर्तमान स्वरूप पे भी अंतर है, और अगर अलग होता उसका भी स्वरूप अंतर है। फिर संघात्मकता की क्या बातें हैं और एकात्मकता की बातें क्या, उसको याद करने आर्टिकल वाइज फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको 6-6 पॉइंट टू दी पॉइंट, ताकि जितना आप 18 मिनट में दोस्तों लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सारा ज्ञान हो गया लिखा ही नहीं पाया। तो यहाँ पर संघ की प्रकृति की बात होगी, उसी में दूसरा टॉपिक भी रहेगा जो आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ है, नए राज्यों के निर्माण की बात। अब नए राज्यों के निर्माण की बात का संवैधानिक पहलू है, लेकिन उस पर जो सवाल आता कि बड़ा राज्य छोटा राज्य विवाद का मसला भी, जिसमें पक्ष में भी मत है विपक्ष में मत है, और मैं यहाँ पर एक बात प्रस्तावित करूँगा कि पक्ष और विपक्ष के मतों को आप कुछ मॉडल वाइज डिबेट के चर्चा करिए। जैसे एक मॉडल है विकास का मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, और एक है सिंबोलिज्म मॉडल, पहचान का मॉडल। तो विकास में भी दो पक्ष है कि फॉर और अगेंस्ट के लिए भी है और पहचान के लिए भी है। कई बार भाषा एक पहचान के रूप में नए राज्यों की मांग करता है दोस्तों। फिलहाल इस पर बात होगी, संघ की प्रकृति पर और नए राज्यों के निर्माण की बात में, और इसमें थोड़ा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अगर आप जोड़ सकते हैं, जिसको इकोनॉमी में भी अलग से पढ़ सकते हैं। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा जो नागरिकता, जो इस बार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नागरिकता जो संशोधन अधिनियम 1955 था, जिसमें अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया, उसमें किस प्रकार से कैसे शुरुआत में जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का मामला चला, बाद में फिर कैसे वो CAA तक जो गया, उन सब की प्रक्रियाएं फॉर अगेंस्ट क्या बात है। तो संशोधन अधिनियम और वर्तमान, तो ये नागरिकता को बहुत विस्तार से अच्छे से करेंगे फोकस, और चूंकि सब पर नोट साथ पढ़ेंगे तो टाइम लगे या नहीं लगेगा। हाँ, ढांचा शुरुआत में बनना दोस्तों बड़ा जरूरी होता है, कहाँ कहाँ टारगेट करना है। जैसे मैंने कहा प्रस्तावना आ चुका है, पर हल्का सा देख लेंगे, संघ राज्य क्षेत्र को करेंगे केंद्र समझ जोड़ते हुए, नए राज्य निर्माण आना नहीं चाहिए, फिर भी हल्का सा देखे रहेंगे। तैयारी पूरा करके जाइए, ये नहीं कि फिक्स किए, फिक्स तो आप चाहे तो 2-3 घंटा में कर लेंगे कि ये हिट क्वेश्चन है, इसमें बाद में बताऊंगा फिक्स क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हर को संबंधित मुद्दों के साथ जोड़ के देखना है। जैसे 14 से 18 तक की जो बात है उसमें आप पाएंगे जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 पर जो विधि के शासन की बात है, 15-16 पे जो सामाजिक न्याय और आरक्षण और सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, 17 पर जो अस्पृश्यता और SC ST का जो दोस्तों मुद्दा है, 19 पर जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, RTI, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उसमें देशद्रोह कानून से जोड़ते हुए भी। 21 तो एक प्रकार से संविधान ही हो जाएगा, 21 पर जो न्यायिक निर्णयों से कैसे विस्तार मिला है, और उस पर हमेशा चर्चा दोस्तों रहेगा, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी के चलते हो, या इच्छा मृत्यु के चलते हो, या आत्महत्या कानून, कई सारी बात उसमें दोस्तों जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। उसी के बाद 23-24 में जो बाल श्रम का मुद्दा है, 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है, और आगे जो अल्पसंख्यक के मुद्दे और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का मामला है। तो जो संवैधानिक पहलू है वो भी, और उस पर जो संबंधित मुद्दे हैं उसकी भी चर्चा दोस्तों बहुत ज़रूरत है। इसी में आप आएंगे, नेक्स्ट रहेगा DPSP। अब DPSP आप पढ़ते हैं 36-51 भाग 4 में, उसमें भी दो बातें हैं। DPSP का एक दर्शन है जिसे बोलते हैं, इसमें गांधीवाद कैसे है, समाजवाद कैसे है, और एक DPSP का वर्गीकरण, दोनों में अंतर दोस्तों। वर्गीकरण में आप बोलते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बात के बोल देते हैं कि ये बात इससे संबंधित है, लेकिन दर्शन जब पूछे तो दार्शनिक बातों को लिखिए, ये बड़ा जरूरी है। और प्लस उससे जो संबंधित मुद्दे हैं, चाहे 44 से समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, मुद्दा क्या है, चूंकि अभी चर्चा में भी आया था,
कई मुद्दों पे, तीन तलाक के मुद्दे से मामला जुड़ा रहा कि देर सवेर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर मामला जा रहा है, तो जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है वो भी और उससे जो चर्चित मुद्दे हैं वो भी हम लोग दोनों को देखेंगे और सब पर कोई क्लास में लिखवाएंगे नहीं, आपको रिटन मटेरियल मिलेगा हिंदी में इंग्लिश में। मैंने कहा है कि ट्रेडिशनल सारे पार्ट आपको प्रॉपरली इंग्लिश मिल जाएंगे, करेंट के कई टॉपिक्स मेन मेन टॉपिक्स में इंग्लिश में जरूर दूंगा, पर सारे टोटल करेंट इंग्लिश में थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत है टाइपिस्ट लिखे और लिखने कई स्तरों पर, लेकिन हिंदी में टोटल मैटर मिलेगा, कोई जगह पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये चीज़ें हैं, इसका लास्ट में मूल कर्तव्य एक बार बीपीएससी पूछा फिर भी हल्का सा देख लेना है, और उससे जो संबंधित मुद्दे हैं चाहे वो झंडा का मुद्दा हो या जनगण मन गाने वाला विवाद हो, ये सब चीज़ें तो इस तरह से देखेंगे, एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट और एक उससे दोस्तों जो करेंट का एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, और यहाँ से नागरिकता और मौलिक अधिकार जो है इस बार के लिए बड़ा जरूरत है, और मौलिक अधिकार को डीपी से जो तुलनात्मक वाला मुद्दा भी है। अब आ जाए एक्सिक्यूटिव के बारे में, इसको पढ़ने के लिए दो स्टेप पे बांटिए, केंद्र में और राज्य में। केंद्र में आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पीएम है, राज्य में आप जानते हैं कि राज्यपाल सीएम है। जब भी आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो तुरंत राज्यपाल पढ़ने से तुलनात्मक बड़ी अच्छी समझ बनती है, वैसे ही पीएम के साथ सीएम को बिहार के अनुसार से जो जरूरत है उसमें राष्ट्रपति भी बिहार का फेवरेट रहा है, कभी निर्वाचन पे पूछना या शक्ति पूछना, शक्तियाँ कई प्रकार की हैं, मैंने एक दो बस जान से लिखा है चूँकि इस पर ज़्यादा सवाल बनने के चांसेज हैं, चाहे वो क्षमादान का मुद्दा हो या अध्यादेश का हो, जो क्षमादान में जो डिरेल वाली बात चलती है और जो ऑर्डिनेंस का जो आजकल सरकारें प्रयोग करती हैं। निर्वाचन भी पढ़ना चाहिए, पूछ सकता है ट्रेडिशनल टाइप का, लेकिन करके जाना है, इसके और भी शक्तियाँ और सब पे चर्चाएँ होंगी। पीएम चूँकि बड़ा प्रमुख रहे हैं, पीएमओ तो इस पर पूछा नहीं अभी तक, पर तैयार कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, अभी कोरोना में भी उनकी बड़ा रोल रहा। सीएम चूँकि चुनाव होना है तो उनके चीज़ें बड़ी जरूरी रहेंगी। सीएजी एजी स्कैट पर थोड़ा सा जानना चाहिए, सीएजी कंट्रोलर एडिटर जनरल जो है आर्टिकल 76 महान्यायवादी उनकी कार्यशक्तियाँ क्या है, इस पर शॉर्ट नोटिस आप पूछ सकता है, और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है प्रशासनिक सेवाओं के बारे में आर्टिकल 323A वो भी ध्यान देना है, इस पर थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स के लिए हल्का तैयार करेंगे, चूँकि यूपीएससी में ये सब चीज़ें सवाल पूछने की प्रवृत्तियाँ बन रही हैं। मैंने इसको बनाने से पहले कई स्तरों पर काम किया और कुछ बातें और भी आगे ऐड करेंगे। अब आ जाइए दोस्तों लेजिस्लेटिव में, पुनः ऐसी केंद्र में और राज्य में। केंद्र में आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा, राज्य में विधानसभा विधान परिषद, उसी अनुसार से जहां जहां सवाल बीपीएससी बनाता है। अब संसदीय गतिरोध भी पूछ सकता है, जो संसद की कार्रवाइयां कम चलती हैं पर वो थोड़ी चर्चा करेंगे। विशेषाधिकार भी पूछ सकता है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन जो संप्रभुता का सवाल है खासकर न्यायपालिका के साथ या संविधान के साथ, उस पर भी सवाल बनने के चांस चलते रहते हैं। समितियां यूपीएससी आजकल ट्रेन बना लिया, प्राकलन समिति जिसमें 30 मेंबर होते हैं या लोक लेखा समिति जिसमें 22 मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों के, उसका क्या कार्य शक्तियां हैं, क्या उसका रोल रहता है, आजकल क्यों चर्चा में रहता है हमेशा, इस पर सवाल। राज्यसभा की क्या रेलिवेंसी है, और चूंकि बिहार विधान परिषद के चुनाव है इसलिए विधान परिषद की संरचना भी सवाल बना सकता है, तो इन बिंदुओं को कर लेंगे तो आपको दिक्कत दोस्तों नहीं होगा, और इन सब पे आपको प्रॉपर नोट्स और फिर उसको पढ़ाया जाएगा। आइए जुडिशियरी के बारे में, जुडिशियरी में ट्रेंड है न्यायिक नियुक्तियों के बारे में, आप सब जानते हो कि 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था एनजीएसए के लिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन उसको फिर नल एंड वॉइड कर दिया गया, कहा कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। अभी भी न्यायिक नियुक्ति, न्याय की विश्वसनीयता, ऐसे कई सारे मुद्दे चलते रह रहे हैं, उस पर भी सवाल बन सकता है। दूसरा न्यायिक समीक्षा, पीछे पूछा है न्यायिक समीक्षा सक्रियता, लेकिन फिर भी इसको आप अगर पढ़े रहेंगे, सक्रियता पूछ चुका है, जो एक्टिविज्म है और जो 137 में जो रिव्यू वाली बात है उस पर सवाल पुनः पूछ सकता है, तो ये भी हल्का देखे जाना चाहिए, पर चांसेस थोड़ा सा कम है। इस पार्ट से भी बिहार में पूछने की बड़ी प्रवृत्ति रही है, केंद्र राज संबंध हर स्तर पर, संबंधों का स्वरूप कैसे है, प्रशासनिक वित्तीय विधायी कैसे है, पहले संबंध जानिए तब पढ़िए संबंधों में तनाव क्या क्या है, और फिर जानिए उसमें बिहार का क्या संदर्भ है, और फिर क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, चाहे वो वित्त आयोग के स्तर पे या सहकारी संघवाद के स्तर पे या किसी और स्तर पे, तो ये चर्चाएं होंगी। पंचायत में क्या रहा 73rd 74th जो त्रिस्तरीय भारत में संरचना है, और फिर उसको बिहार से जोड़ते हुए चुनाव में भी, ये सब बड़ा बीपीएससी के हिट टॉपिक है दोस्तों,
पंचायत, फिर चुनाव के बारे में, चुनाव भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, निर्वाचन है क्या भूमिका क्या है, चुनाव में अफसरशाही की भूमिका क्या होती है, जिस पैटर्न पे बीपीएससी का ओरिएंटेशन है वैसे ही पैटर्न पे आपको हम लोग के नोट्स दिखेंगे और उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट करके हम लोग क्लास में उसकी चर्चाएं करेंगे, हम अभिनव सर या कुछ मंजे सर और कुछ और भी लोग जो चर्चा करेंगे। इसी में आगे जे एंड के 370-35 से तीनों को जोड़ते हुए आप ये बड़ा चर्चा में रहेगा क्योंकि इस मामला अभी लद्दाख वाला मामला भी चल रहा है, सबको जोड़ते हुए कुछ अन्य में जो चर्चाएं हैं दोस्तों, लोकतंत्र की उभरती प्रवृत्तियां, खासकर यहाँ पे जो भारतीय लोकतंत्र की उभरती प्रवृत्तियां हैं, जहां आप शुरुआत भी कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे देश आजाद हुए पर उसमें भारत का लोकतंत्र बड़ा ही विशिष्ट रहा है, कई जगह सैन्यतंत्र आ गया, कई जगह पे लोकतंत्र कहने के लिए था कुछ नहीं हुआ, पर भारत आज भी एक जीवित लोकतंत्र है, कमियां जरूर है। इसी में जो इसके सकारात्मक पहलू है नकारात्मक पहलू है उसकी चर्चा हो सकती है। फिर आगे क्षेत्रवाद की बात है, क्षेत्रवाद क्या है, पॉजिटिव क्या निगेटिव का, फिर नक्सलवाद की बात है, नक्सलवाद क्या होता है, इसके क्या दुष्परिणाम है, कैसे सुझाव दे सकते हैं, सांप्रदायिकता क्या होता है, उसका कैसे विकास हुआ, वर्तमान परिस्थितियां, गठबंधन की राजनीति या सरकार का क्या है, पॉजिटिव बातें क्या है, निगेटिव बात क्या है, बिहार का भी संदर्भ चूंकि यहां भी गठबंधन की बात है, दल बदल कानून कई कारणों से चर्चा में रहा, दबाव समूह की बात, प्रेशर ग्रुप, राजनीति में जाति वर्ग, जाति क्या एक सामाजिक बात है, वर्ग क्या एक आर्थिक संकल्पनाएं हैं, उसी में धर्म के जुड़ाव, अपराध की बात, फिर कुछ आयोग जैसे मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, उन सब पे जानना चाहिए क्योंकि कुछ टिप्पणियां जैसा सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग पॉलिटी को हर एंगल से पढ़ेंगे, आप क्लास को करेंगे, क्लास दो स्तरों पर होगा, पहले एक बार समझाया जाएगा, फिर आपको नोट्स दिया जाएगा जिसको आप पढ़ लेंगे, फिर उसको विस्तार से हर क्वेश्चन वाइज फ्रेमिंग की जाएगी, हम लोग का आंसर राइटिंग भी दोस्तों चलता है जो कि मुबिसाला ऐप के तहत 3 आवर्स वाला, और फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली चलता है। दोस्तों एक प्रयास है तो आप सबके सहयोग से चल रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा उत्साह से सहयोग मिल रहा है। इस क्लास में अभी तक इतना ही दोस्तों, आगे इसको हम लोग टॉपिक वाइज विस्तार से आएंगे। धन्यवाद।